देखिए थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक क्या है। इस बार सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हमें कोई दो नंबर्स दिए गए हैं और उनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं। फिलहाल फाइव रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन में तो हमें दो इंटीजर्स दिए गए थे, ठीक है, कंप्लीट नंबर्स। इस बार हमें पी बाई क्यू फॉर्म बनाकर दी गई है, तो देखिए कैसे करना है। 3/5 एंड 4/5 दोनों को अलग अलग रो में लेकर चलते हैं। आप नोटिस कर रहे हैं कि लास्ट स्टेप में भी, मीन्स लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये समझा था कि सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर मैच करना होता है, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। और फिलहाल तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो मैच कर रहा है। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें सेकंड स्टेप ये करना है कि जो न्यूमरेटर है उसके गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करें। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास 30/50 और यहां बन गया 40/50, क्लियर। तो अभी देखिए डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, न्यूमरेटर के बीच में 30 और 40 के बीच में 9 का गैप आ रहा है, मीन्स 9 नंबर्स आ सकते हैं, गैप तो वैसे 10 का है, ठीक है। तो 9 में से हम कोई भी 5 लिख सकते हैं। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या है, 3/5 एंड 4/5 आर कैसे। ये देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 के बीच में कि 30 और 40 है, सो कोई भी आप ले सकते हैं, 31/50, 33/50, 35/50, 37/50, 39/50, ठीक है। हमें कोई भी 5 लेने थे तो जरूरी नहीं आप कंटिन्यू ले, आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं या गैप छोड़कर भी ले सकते हैं। बस मेन बात ये है कि 30 और 40 के बीच में होने चाहिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दोनों में जो है वही यहां भी लेकर चल रहा है।